दोस्तों आज की कहानी है सासू माँ। आप तो अपनी ननद से बात करती नहीं, मुझे क्या सिखा रही है। चलो दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। रीसा अपने बेटे रुद्रास को सुला रही थी कि अचानक उसकी सास रजना तेज कदमों में उसके कमरे में बने बाथरूम में घुस गई। बार दो दो बाथरूम होने पर भी वो उसके बाथरूम में रीसा भी ये सोच ही रही थी कि उसके कानों में ससुर की आवाज पड़ी, जो उसकी सास को आवाज दे रहे थे। रीसा ने सुना तो वो बाथरूम के पास जाकर अपने सास से बोली, मम्मी जी आपको पापा जी बुला रहे हैं। तभी उसकी सास धीरे से बोली, रीसा तुम चुप रहो और उन्हें मत बताना कि मैं यहाँ हूँ। रीसा बाहर गई तो उसके ससुर फोन पर अपनी बहन से बात कर रहे थे और कह रहे थे, पता नहीं रंजना कहाँ गई, अभी तो यही थी। अच्छा तो ये बात है, मम्मी जी इसलिए छुपी है। मन ही मन ये सोच रीसा को हंसी आ गई और सोचने लगी, जब से उसकी शादी हुई है उसके सास ने इस बात पर जोर दिया कि रीसा उनकी बेटी सुनिधि को 2-3 दिन में फोन करके हाल साल पूछे। कभी कभी तो रीसा को कोपते होती है कि रोज रोज क्या बात करे। और ये किस किताब में लिखा है कि भाभी ही ननंद को फोन करे, कभी ननंद को भी फोन करना चाहिए। लेकिन आज अपनी सासू माँ का ये रूप देख हैरान हो गई कि वो कभी खुद को बुआ जी को फोन करती नहीं, अब आज उनका फोन आया तो बाथरूम में छुप गई है। थोड़ी देर बाद जब सासू माँ रीसा के कमरे से निकलकर अपने कमरे में गई तो उनके पति ने पूछा, तुम कहाँ गई थी? सुषमा दीदी का फोन आया था, तुम्हारे हाल साल पूछ रही थी। तो सासू माँ खिसियाते हुए बोली, यही थी, तुम्हारी बहन है, तुमने बात कर ली ना, मैं क्या बात करती, मुझसे नहीं बात होती। ये सुन वो गुस्सा होने लगी और बोले, ना तुमने कभी अपने भाई बहनों के साथ बनाकर रखी ना मेरे, खुद तो कभी फोन करती नहीं और उनका फोन आए तो इधर उधर भाग जाती हो। उनकी बातें सुन रीसा को बहुत अजीब लगा। वो अपनी व सुगंधी की शादी में बुआ जी से मिल चुकी थी। बुआ जी बहुत ही अच्छे स्वभाव वाली थी। इसके बाद कई बार सासू माँ ने ऐसे ही किया तो रीसा से रहा नहा गया। एक शाम जब उसकी सासू माँ बालकनी में बैठी तो रीसा ने जानबूझकर बात छेड़ी कि मम्मी जी, जब भी बुआ जी का फोन आता है तो आप बात क्यों नहीं करते? तो सासू माँ से कोई जवाब देते नहीं बना। फिर रीसा बोली, मम्मी जी जैसे सुगंधी मेरी ननंद है वैसे ही बुआ जी भी तो आपकी ननंद हैं, और मुझे नहीं लगता कि आप दोनों के बीच कुछ झगड़ा रहा होगा, क्योंकि बुआ जी और आपका स्वभाव मुझे पता है। मम्मी जी मैं आपसे उम्र व अनुभव में बहुत छोटी हूँ। सासू माँ अगर मैं कुछ गलत बोलूँ तो मुझे माफ करना। जब तक माँ पापा जिंदा होते हैं बेटी हक के साथ अपने मायके अपने घर आती है, लेकिन माँ बाप के बाद भी उसके भाई भाभी साए तो उसके मायके में उसकी जगह बरकरार रख सकते हैं। मम्मी जी बुआ जी अब उस उम्र में है जहाँ उनका पूरा बड़ा परिवार है, पर ये मायके का मोह मरते दम तक नहीं सोटता। वो मांग भी तो क्या रही है, बस अपने भाई भाभी से थोड़ा प्यार। मेरी शादी को 2 साल हो गए और आप तब बुआ जी सिर्फ शादी पर ही आई थी। राखी भी वो कुरियर कर देती है, उनका मन नहीं करता होगा अपने मायके आने का। कभी आपने उनको फोन किया बुलाने के लिए? मम्मी जी जैसे आपको सुनिधि के लिए लगता है वैसे ही पापा जी को अपनी बहन के लिए लगता होगा कि उनकी बहन भी आए।
भाई बहन कर मिलकर बैठे, पुराने दिन याद करे, लेकिन आप तो बुआ जी से बात भी नहीं करते, कम से कम आप उनका हाल साल भी तो पूछ लिया करो ताकि उन्हें थोड़ी खुशी हो। सासू माँ, अगर यही व्यवहार मैं सुनिधि के साथ करूंगी तो आपको कैसा लगेगा? नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल मत करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने दीदी के साथ ऐसा व्यवहार किया, जिस तरह आज तुमने मुझे दूसरा पक्ष दिखाया, मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। यह कहते हुए सासू माँ अपने कमरे में गई और कुछ देर वहां से फोन पर बुआ जी से बात करने की आवाज आ रही थी। रीसा जब उनके कमरे की तरफ गई तो उसके ससुर आंखों में आंसू लिए ननद भाभी की बातें सुनकर बहुत खुश हो रहे थे। ये देख रीसा की पलकें भी भीग गई। दोस्तों, एक बेटी साए कितनी भी बड़ी हो जाए, साए बुढ़ी भी हो जाए, पर उसका मायके का मोह कभी नहीं छूटता। मायके का मोह तो मरते दम तक नहीं छूटता, इसलिए दोस्तों अपनी ननदों को मान सम्मान देना जरूरी है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक बने रहे मेरे साथ।